हेलो दोस्तों, वेलकम टू लाइफ केयर। शादी के बाद हर पति पत्नी का ये सपना होता है कि वो अपने परिवार को आगे बढ़ाए, और क्यों ना हो, हर कोई अपने छोटे बच्चे में अपना स्वरूप देखना चाहता है। लेकिन कई बार किसी कारण की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाता, और ज़्यादातर इसका दोष महिलाओं को दिया जाता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर केस में प्रॉब्लम महिलाओं में हो। कई बार पुरुष में भी इनफर्टिलिटी यानी कि नपुंसकता जैसी परेशानियां देखी जा सकती हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुषों में नपुंसकता के लक्षणों के बारे में। मेरी सलाह है कि ये वीडियो आप ध्यान से ज़रूर सुने और अंत तक देखें, जिससे इससे संबंधी सभी बातों की जानकारी आपको ठीक से मिल सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे ऐसी कई वीडियोज़ के अपडेट्स आपको वक्त रहते मिलते रहें। इनफर्टिलिटी मतलब नपुंसकता, जिसके चलते कपल्स बार बार कोशिश करने पर भी कंसीव नहीं कर पाते। आजकल के आधुनिक युग में बिगड़ी हुई जीवन शैली और बिगड़े हुए खाने पीने के तरीकों की वजह से पुरुष में प्रजनन की क्षमता में कमी पाई जाती है। एक रिसर्च के मुताबिक दुनिया में 15% पुरुष मेल इनफर्टिलिटी से पीड़ित हैं। वहीं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक फीमेल इनफर्टिलिटी के कंपैरिजन में मेल इनफर्टिलिटी के केसेस ज़्यादा सामने आ रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि मेल इनफर्टिलिटी के क्या क्या लक्षण होते हैं। इंटरकोर्स में प्रॉब्लम, इरेक्शन और इजैक्यूलेशन ठीक ढंग से ना हो पाना, प्रीमैच्योर इजैक्यूलेशन यानी जल्दी डिस्चार्ज हो जाना, नाइटफॉल और स्पर्म काउंट्स में कमी, इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। अब बात करते हैं इसके कुछ कारणों के बारे में। स्टीरोइड्स का सेवन बंद कर दें। यदि आपने जिम ज्वाइन किया है और बॉडी बना रहे हैं और मसल बिल्ड करने के लिए आपने स्टीरोइड्स का सेवन शुरू कर दिया है, तो इसे तुरंत बंद कर दें, क्योंकि इससे आप में इनफर्टिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही स्टीरोइड्स के सेवन से आपका स्पर्म बनना भी कम हो जाता है। ड्रग्स, शराब और स्मोकिंग। यदि आप ड्रग्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग या और किसी भी तरह का नशा करने के आदि हैं, तो इसे तुरंत रोक दें, क्योंकि ऐसा करने से आपके स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं। फिर भले ही आप कितने भी हष्टपुष्ट क्यों ना हो, स्पर्म कम होने की वजह से आप में नपुंसकता के चांसेस हो जाते हैं। साथ ही ज़्यादा ड्रिंक करने से भी आपको लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो फिर आपके स्पर्म काउंट्स को कम करने के लिए जिम्मेदार होता है। लिंग में गर्मी पहुंचना। ऐसा कोई भी काम जिसे करने से लिंग तक गर्मी पहुंचती हो, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका स्पर्म काउंट कम हो जाता है और नपुंसकता का डर भी बन जाता है। अक्सर पुरुष घंटों तक लैपटॉप को अपनी जांघ पे रखकर काम करते हैं। इसके कारणवश लैपटॉप से निकलने वाली गर्मी उनके लिंग को प्रभावित करती है। इसी के साथ भट्टी के आसपास काम करने वाले पुरुषों में भी इस तरह की परेशानी देखी गई है। साथ में ही रेडिएशन टावर के रेडिएशन के संपर्क में आने से भी इस तरह का खतरा बन जाता है। ज़रूरत से ज़्यादा मैस्टिबेट करना। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा मैस्टिबेट करते हैं, उनका स्पर्म काउंट भी लो हो जाता है। साथ ही लंबी दूरी तक साइकिलिंग करने से भी पुरुष के पीनिस का और उसके आसपास का हिस्सा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन यानी पीनिस के हार्डनेस में तकलीफ होने की वजह से भी नपुंसकता हो सकती है। यौन संक्रमित बीमारियाँ। हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ एड्स ही एसटीडी नहीं होती जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी की समस्या हो। यहाँ तक कि असुरक्षित यौन संबंध बनाने के साथ साथ कुछ बीमारियाँ जैसे कि टीबी, टाइफॉइड, गनोरिया, ब्रूसेलोइसिस, इन्फ्लुएंजा आदि की वजह से भी आपका स्पर्म काउंट कम होता है, जिससे कि नपुंसकता हो सकती है। बिना संभोग इजैक्यूलेट होना। यदि आपको ज़रूरत से ज़्यादा नाइटफॉल होता है या फिर अपने पार्टनर के पास जाते ही आपको इजैक्यूलेशन हो जाता है, या फिर आपके पीनिस में प्रॉब्लम है यानी कि संभोग करते समय आपको दर्द हो रहा है,
तो आपको डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आप में इम्पोटेंसी यानी कि नपुंसकता के लक्षण दिखाई दे रहे हों। रसायन के पास रहने से, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज से निकलने वाले रसायन जैसे बेंजीन, ज़ाइलीन, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स या पेंटिंग मटेरियल आदि से भी इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है। इसीलिए इन फैक्ट्रीज में काम करने वाले लोगों को सचेत रहना बेहद ज़रूरी है। वेरिकोसेल, वेरिकोसेल टेस्टिकल संबंधी एक गड़बड़ी है जिसकी वजह से मेल इनफर्टिलिटी होना एक आम बात है। टेस्टिस से खराब पदार्थ ले जाने वाली नस जब सूज जाती है तब टेस्टिस का प्राकृतिक तौर पर ठंडे रहने की प्रक्रिया में रुकावट आने लगती है, जिसकी वजह से स्पर्म काउंट्स पे असर पड़ता है, साथ ही नपुंसकता जैसी बीमारी होने के चांसेस हैं। लो स्पर्म मोबिलिटी, शुक्राणु परिवहन की समस्या पुरुषों में लो इनफर्टिलिटी की समस्या पैदा कर सकती है। स्पर्म को टेस्टिकल से पीनिस तक ले जाने वाली नर्व्स यदि किसी चोट या बीमारी की वजह से क्षतिग्रस्त होती है तो इससे स्पर्म मोबिलिटी को नुकसान पहुंचता है और उसमें अवरोध पैदा होता है, जिसकी वजह से वो ठीक ढंग से प्रवाह नहीं कर पाता। ये भी एक अहम कारण है जिस वजह से पुरुषों में नपुंसकता के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थे मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुषों में नपुंसकता के कुछ कारण। यदि वक्त रहते इनके लक्षणों को समझ के और इन कारणों को नियंत्रित करके डॉक्टर से सही सलाह ली जाए तो इसका इलाज संभव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में या ईमेल करके ज़रूर पूछें। हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब दिया जाए। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, ख्याल रखें।